छिंदवाड़ा जिला के चौरी अन्नपूर्णा लॉन में शैलेंद्र रघुवंशी और बबलू पटेल के द्वारा सभी शिक्षकों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मंच पर विराजे शिक्षक गण एवं वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर गुरु की महिमा के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम लगातार बबलू पटेल के द्वारा 4 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के शिक्षक गण एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाता है। इस दौरान समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गीतों के द्वारा शानदार प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम समापन के पश्चात भोजन की व्यवस्था की गई। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्रीय शिक्षक गण, वरिष्ठ जन प्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता बंधु, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, नागरिकगण एवं मातृशक्ति उपस्थित रहे। आपके द्वारा आयोजित किया गया इसका प्रयोजन, हम लगातार पिछले 4 वर्षों से शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। उसी रीति को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी हमने यह आयोजन पूरी चौरे विधानसभा के सभी शिक्षकों को बुलाकर के यहाँ पर किया है। और उसके पीछे जो हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षक ही हमारा आधार स्तंभ है। अगर शिक्षक चाहे तो देश को बहुत उन्नतिशील बना देता है, और अगर शिक्षक चाहे तो देश को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देता है। और इसलिए सम्मान करने के पीछे, उनका स्वागत करने के पीछे हम लोगों का उद्देश्य यह है कि उनको भी लगे कि आज वो जिस भूमिका में है, जिस गुरु की भूमिका में वो काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा समाज उनका सम्मान करके गौरवान्वित हो रहा है। उनका जो प्रोफेशन है वो अच्छे संस्कारों के साथ अच्छी पीढ़ी का निर्माण करें, ताकि हमारा जो देश है आने वाली 21वीं सदी में फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, फिर से हम सोने की चिड़िया कहलाएँ, फिर से हम सांस्कृतिक तौर पर विश्व शक्ति बने, यही हम सबका उद्देश्य है। आज इस कार्यक्रम में हमारे सभी शिक्षक बंधु, सभी शिक्षिकाएं, सभी हमारे अतिथि शिक्षक, सभी हमारे जो पेंशनर समाज के शिक्षक हैं, सभी पत्रकार साथी हैं और सभी हमारे आदरणीय अतिथि, मैं इस कार्यक्रम के आयोजक होने के नाते मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपसे आग्रह करूँगा कि इसी तरह यह परंपरा चलती रहे, निरंतर हम सभी शिक्षकों का हम सम्मान करते रहें, उनका स्वागत करते रहें। और शिक्षक बंधुओं से अपील है कि वो हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो छात्र हैं, हमारा जो समाज है, उसके नवनिर्माण में जो उनकी भूमिका है उसका अच्छे से निर्वहन करें, यही आग्रह निवेदन। उन्हें आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीसीएन न्यूज के लिए चौरई से राजेश उइके की रिपोर्ट।